नमस्कार विवेक, अब तुम बिन रहा नहीं जाता रे, लौट आ। हमारे जीवन के कितने दिन बचे हैं, आ जाएगा तो परिवार के बीच मरने की भी संतुष्टि होगी। पापा रोज ही तो वीडियो कॉल पर मिलते हैं, हम दूर कहाँ हैं, आप ही टाल जाते हैं। मैं तो आपको हर साल 2-3 महीने अपने पास रहने को बुलाता हूँ। बेटा, सच पूछे तो हमारा मन परदेश में लगता नहीं, तेरी माँ तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में चली जाती हैं। अपने देश में क्या कमी है, यहीं आ जा। 80 वर्षीय उमेश जी का एक मात्र बेटा 10-12 वर्षों से विदेश में ही जॉब करता है, वहीं की नागरिकता उसने ले ली है। पत्नी भी जॉब करती है, एक प्यारा सा पोता है, वो भी अब 10 वर्ष का हो गया है। उमेश और उसकी पत्नी सुनीता जब भी बेटे के पास विदेश गए तो बिल्कुल अकेलेपन में डूब गए। वहाँ की कल्चर और भाषा उन्हें रास नहीं आती। विवेक और उसकी पत्नी के पास समय नहीं होता, वो तो उनका पोता ही। वो पास में रहता तो किसी तरह 3 महीने कट जाते। भारत वापस आने पर फिर विवेक और सोनू की तड़प उनका जीवन मुहाल कर देती। करे तो क्या करें, बिटुआ आना ही नहीं चाहता, बस कहता 24 घंटे के लिए कोई नौकरानी रख लो जो आप दोनों की देखभाल करेगी, किसी चीज़ की कमी मत रखना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। उमेश जी ने दबे स्वर में कहा भी, बेटा हाँ कमी है तुम्हारी, ला कर दे उसकी कमी की पूर्ति। विवेक बस हंस कर टाल देता। विवेक अपने के पास रहने के एहसास को समझ ही नहीं पा रहा था, या समझ कर भी अनजान बना था। एक रात को उमेश जी चक्कर खाकर गिर पड़े, सिर फट गया, खून बहने लगा। घबराकर सुनीता पड़ोस के घर की तरफ भागी। पड़ोसी भले थे, एकदम आ गए। अस्पताल में उमेश जी को दाखिल कराया गया, कोई विशेष बात नहीं, ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण चक्कर आ गया था बस, और कोई बात नहीं थी। अगले दिन ही उमेश जी को डिस्चार्ज कर दिया गया। इन 24 घंटों में ही विवेक ने 2-3 बार वीडियो कॉल करके उमेश के हालचाल पूछे, हॉस्पिटल का बिल भी भर दिया, एक सप्ताह के लिए एक नर्स की भी व्यवस्था करवा दी। अपने पापा से बहुत प्यार करता है ना विवेक, उनका दुख देख नहीं सकता। उमेश जी निर्विकार भाव से हॉस्पिटल से घर आ गए। अब वो अधिक ही उद्विग्न रहने लगे थे। उनके सामने विवेक और सोनू का चेहरा रहता। बेबसी में उमेश बाबू टूटते जा रहे थे। अब तो कई दिनों से बिटुआ का फोन भी नहीं आ रहा था। सुनीता जी फोन मिलाती भी तो कोई उठा ही नहीं रहा था। अनजानी आशंका से उमेश और सुनीता जी ग्रसित हो गए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि विवेक का फोन ना आए, तो अब क्यों नहीं आ रहा है, किससे जानकारी लें, कैसे करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक ध्यान आया कि पास के नगर के सोहन जी का बेटा भी विवेक की ही कंपनी में जॉब करता है। इतना ध्यान आते ही उमेश बाबू तुरंत ही सोहन जी के घर की तरफ चल दिए। उनके गांव तक बस जाती थी, सो 1 घंटे में ही उमेश बाबू सोहन जी के यहाँ पहुँच गए। सारी बात सोहन जी को बता उमेश जी ने उनके बेटे के माध्यम से विवेक की जानकारी करने के बारे में सहायता मांगी। सोहन जी ने उमेश बाबू को सांत्वना दी और पूरी सहायता करने का आश्वासन भी दिया। सोहन जी ने उमेश जी को चाय नाश्ता कराकर उनको शाम तक विश्राम की सलाह दी। वहाँ विदेश में उस समय दिन निकलेगा तो बात सही ढंग से हो पाएगी। अनमने उमेश बाबू कर भी क्या सकते थे। किसी प्रकार रात्रि में सोहन जी का संपर्क अपने बेटे से हुआ और उन्होंने विवेक के बारे में जानकारी करने को बोला। विवेक का अपने पापा से संपर्क न करने के कारण की जानकारी सुनकर उमेश धक्के से रह गए। उनका पोता वहाँ विदेश में बीमार था, हॉस्पिटल में दाखिल था। सोनू की बीमारी को सुन उमेश बाबू असहाय से हो वहीं नीचे बैठ गए। कैसे बेटा बहू सोनू को संभाल पा रहे होंगे, उनका फूल सा सोनू तो मुरझा गया होगा। कैसे कैसे पहुँचें उनके पास, क्या करें, व्यवस्था भी मनुष्य को बेबस ही कर देती है। रोने के अतिरिक्त कोई राह सुझाई नहीं देती थी। अगले दिन सुबह उमेश बाबू अपने घर पहुँचे, न चाहते हुए भी सुनीता को बताना ही पड़ा। सुनती हो, अपना सोनू तो हॉस्पिटल में दाखिल है, हम यहाँ हैं,
कैसे पहुँचे उसके पास? क्या सोनू के पास पहुँचे बिना हम यूं ही मर जाएंगे? मैं अपने पड़ोसी राज के बेटे से बात करता हूँ, वह हमारे विदेश जाने की व्यवस्था में सहयोग कर दें, कहे उमेश बाबू बाहर की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद आकर सुनीता से बोले, भगवान बीजा आदि बनने में 8-10 दिन तो कम से कम लग ही जाएंगे। सुनीता बोली, कैसे कटेंगे ये दिन? मेरे बच्चों पर क्या गुजर रही होगी? नियम कानून कोई भावनाओं को थोड़े ही समझते हैं। रोते कलपते उमेश बाबू और सुनीता जी को 3 दिन बीत गए। इस बीच विवेक का कोई फ़ोन भी नहीं आया। बेचैनी बढ़ती जा रही थी, अपने पर ही खी जाती क्यों अपने बेटे को विदेश भेजा था, पर अब क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। उमेश बाबू और उनकी पत्नी सुनीता की आंखों के आंसू तो सूख गए थे, पानी बचा ही नहीं था जो आंसू आते, पर अपनी पीड़ा को कहाँ लेकर जाते। तीसरे दिन ही अचानक सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। हड़बड़ाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विवेक सोनू को गोद में लिए खड़ा था, साथ में बहू भी थी। दौड़कर उमेश बाबू ने बेटे की गोद में से सोनू को ले लिया, बेटे को और बहू को भी एक तरफ अपनी तरफ खींच लिया। सुनीता भी पीछे से आ गई थी, मुंह से कोई भी नहीं बोल पा रहा था, पर भाव एक दूसरे के प्रति उमड़ पड़ रहे थे। घर के अंदर आ किसी प्रकार विवेक बोला, पापा मैं आ गया हूँ आपके पास, अब नहीं जाऊँगा कभी, जानते हैं पापा सोनू के गंभीर बीमार होने पर हम तो अकेले रह गए, सब कुछ हमारे पास था पर परिवार नहीं था, आप नहीं थे पापा, मम्मी नहीं थी, तब समझ आया बिना अपनों के तो कुछ भी नहीं, अब हम यहीं रहेंगे पापा, आपके पास रहेंगे, आपसे दूर नहीं। उमेश बाबू कभी विवेक को देख रहे थे तो कभी ऊपर आकाश की ओर, सोच रहे थे ईश्वर तू है जरूर, छुपा बैठा है कहीं, पर देख सबको रहा है, तभी तो मेरे विवेक को मेरे पास भेज दिया। सब बहुत खुश थे। विवेक ने यहीं पर अपना बिजनेस शुरू कर दिया, पति पत्नी मिलकर बिजनेस करने लगे और सोनू का भी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। अब उमेश जी और सुनीता जी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।